जंजैहली एसडीएम कार्यालय को लेकर जारी आंदोलन और इससे उपजे घटनाक्रमों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहली बार दिल की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सारे घटनाक्रम से दिल आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं इस सबसे दुखी हूं और ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने कोर्ट को गुमराह करते हुए जंजैहली में एसडीएम कार्यालय खोल दिया, हमें तो वह भी मंजूर था, लेकिन कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि इस मामले में कोर्ट को गुमराह किया गया है, जिस पर कोर्ट ने न केवल जंजैहली एसडीएम कार्यालय की बल्कि उप तहसील छत्री की अधिसूचना भी रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में थुनाग के लोग पहले ही कोर्ट में गए थे, मगर सरकार ने कोर्ट में बयान देने से 15 दिन पूर्व ही अधिसूचना जारी कर दी थी। वहीं एक सख्त पत्र दिया गया था कि जंजैहली में उप तहसील खोल दी गई है जो आज तक नहीं खुली है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मेरे लिए तो एसडीएम कार्यालय जंजैहली में खुले चाहे थुनाग में एक समान था, मगर अदालत के फैसले के बाद काम चलाने के लिए कहीं पर तो एसडीएम कार्यालय खोला जाना था। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद संघर्ष समिति और मेरी पार्टी के लोग शिमला में मुझसे मिले थे, वहां तय हुआ था कि हम सब मामले में रिव्यू फाइल करेंगे और आंदोलन बंद करने की सहमति बनी थी, लेकिन दो दिन बाद मेरा पुतला फूंका गया, पुलिस पर पथराव किया गया। उनके इस व्यवहार को देखते हुए और एसडीएम कार्यालय बंद हो जाने की वजह से हमारे काम कहां होंगे। कोर्ट के निर्देशों पर संज्ञान लेते हुए थुनाग में एसडीएम कार्यालय खोलने की अधिसूचना के साथ ही यह व्यवस्था की गई थी कि महीने की 4 दिन एसडीएम जंजैहली में बैठेंगे और वहीं एसडीएम गोहर महीने में 4 दिन बाली चौक में बैठेंगे, मगर कुछ लोगों ने इसे क्षेत्रवाद का मामला बना दिया। उन्होंने कहा कि इस सारे प्रकरण में षड्यंत्रकारी कौन है, इससे पर्दा उठने वाला है। वे चाहे इस ओर के हों या फिर उस ओर के, उनके चेहरे बेनकाब होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी मैंने इस मुद्दे पर बात करने के लिए संघर्ष समिति को आमंत्रित किया है, खुले मन से इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि चर्चा के दौरान इसका समाधान हो जाएगा। अल्टीमेटली जब ये सिचुएशन आएगी कि जंजैहली का हमारा जो एसडीएम का दफ्तर है वो बंद पड़ा है, अब हमको टेक्निकल जो काम है वो कहां से हमारे डिस्पोजल होंगे, एसडीएम हेडक्वार्टर के कहा एसडीएम के हमारा एसडीएम कोर है का दिक्कत नहीं था, जंजैहली का कोर्ट ने रद्द किया था, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे काम का डिस्पोजल क्या होगा, कहा काम होगी और उसको लंबे समय तक उसको रख नहीं सकते। अल्टीमेटली हमको कोर्ट की जो एक तरह का जो डायरेक्टिव उसको जरा उसका संज्ञान लेते हुए हम अगर हम फिर नोटिफिकेशन की तरह से जंजैहली का कोर्ट हमारे को इस कहता है कि हमने लंबी जजमेंट दी है, जजमेंट के आधार पर आपने फिर वो वॉलेशन की है, तो ऐसे में हमने एक रास्ता निकाला कि फिलहाल हेडक्वार्टर तहसील हेडक्वार्टर पर एसडीएम को मुख्यालय खुलेगा, एसडीएम 4 दिन के लिए जंजैहली बैठेगा और बालीचौकी क्षेत्र जो मेरे क्षेत्र के लिए सुनाग से जंजैहली से दूर पड़ेगा उसको वहां से जोड़ना ठीक नहीं है। पहले भी तहसील बालीचौकी एसडीएम गो के अल्ट्रा, तो हमने एक और आदेश उस पर किया जिसकी मांग भी नहीं किया, हमने कहा कि एसडीएम को जो है वो 4 दिन के लिए बालीचौकी रखेगा ताकि वहां के लोगों को भी सुविधा मिल सके, तो इससे बेहतर कोई निर्णय किया नहीं जा सकता। बालीचौकी के लिए एसडीएम का कोर 4 दिन बैठे ये वहां के लिए खेली था और उसके बाद सुनाग एसडीएम दफ्तर खोलने के बाद 4 दिन वो जंजैहली जा करके बैठे, तो 4 पंचायतें 5 पंचायतों का वहां पर जंजैहली का डोशी है, तो उस इशू को वहां पर रिजोल्व करते हैं, उनकी समस्याएं कितनी भी होंगी वहां पर उनको। और हमने ये भी कहा कि जंजैहली का जो एसडीएम का ऑफिस जो है वो जहां फंक्शन कर रहा है वही एसडीएम बैठेगा, उसको नहीं कुछ बताएंगे, वो है जिसकी जो है 4 दिन की वहां फंक्शन करेगा। और थुनाग में हमने कहा कि एसडीएम का हेडक्वार्टर रहेगा, तो उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों ने लोगों को इस प्रकार से भटकाया, लोगों को बहुत जोरदार तरीके से जोर मतलब ये सारा उठा दिया गया, ये क्षेत्रवाद के किसी को खड़ा कर दिया। आज और मुझे सिर्फ इतना कहना है उस बारे मैंने फैक्चुअल क्वेश्चन आपको बताया, ये सारा जो है कोर्ट से एक डायरेक्टिव के मुताबिक जो है कोर्ट के निर्णय के अनुसार किया, हमने उसकी पालना किया। हालांकि जिस प्रकार से वो सारी चीजें कर रहे हैं वो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट उसमें अट्रैक्ट होता है, उसमें जिस प्रकार से वो कर रहे हैं वो सारी चीजें मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है, उसके बावजूद में हमारा पुतला जला रहे हैं सारी चीजें, मैं उस पर लोकतंत्र मानता हूँ, ये सारी चीजें हमारे लिए पार्ट ऑफ द
मतलब पार्ट ऑफ जिस पोलिटिकल लाइफ जो है वो सारी होती है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैंने उनसे फिर से बात की, अब मुझे उनने आश्वासन दिया है, हमारे कुछ साथी उनसे बात करने के लिए उनसे बात की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया हम आपके साथ बात करने के लिए आए, तो आइए और आज शाम को बात करने के लिए बोला आने के लिए आते हैं। जो वर्केबल होगा वो हम खुले कर चुके हैं। जो चुनाव लड़े थे चार सौ वोट उनको पड़े, उस स्थिति में लोगों को भड़काने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी बात तो ये भी कहना चाहता हूँ, पर्दे के पीछे चीजें होंगी तो पर्दा उठा दिया। कांग्रेस के लोग भी लगते हैं, और कांग्रेस के लोग भी हैं, वो तो देखिए वो विरोध में है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो पार्टियां हिमाचल प्रदेश में जस्टिस भी है, दूसरी पार्टियां भी जिनके बारे में करता है। लेकिन उसके बावजूद मैं इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस वाले तो विरोध करेंगे, उनको चीफ बहुत गलत होगी,